पर अब खबर है पाकिस्तान से, जहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ी जानकारी यह है कि पाकिस्तान में इमरान के एक और करीबी पर शिकंजा कसा गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले इमरान खान को आपने देखा वो सलाखों के पीछे, और अब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कैप्टन इमरान की पूरी टीम मुश्किल में दिख रही है। इमरान खान को पहले ही अटक जेल में रखा गया है, जहां पर बड़े बुरे हालात उनके हैं, जो बातें उनके सहयोगी ने बताई। और आप देखिए ये तस्वीर, पाकिस्तान में इमरान के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या कैप्टन इमरान की टीम मुश्किल में है। तो इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी जमीर अली इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। जमीर अली, जिस तरीके से इमरान खान के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है, ये पाकिस्तान में किन परिस्थितियों की तरफ इशारा करता है? शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल वाजे नजर आ रही है कि इमरान खान के साथियों में से वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो जो उनको जान है मिलेगा, उसके ऊपर कानून का शिकंजा जो है वो मजीद सख्त होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कुछ रात को बात हुई थी FIA एहलकारों से, जिन्होंने इमरान खान के करीबी साथी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया है, तो उनका ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है साइफर मामले पे, जहाँ पर इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाफत कर रहा है। और उस हवाले से फिर पाकिस्तान में एक नया एक बनाया गया था, आपको पता है आखिरी दिनों में हुकूमत ने बड़े कानून बनाए थे, तो उस पर कानून था जो सीक्रेट एक्ट के हवाले से था। उसी तरह से इमरान खान के बयान के मुताबिक इमरान खान ने बयान दिया था, उस पर शाह महमूद कुरैशी और इसके साथ साथ इमरान खान के जो सादिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उसका भी नाम दिया है, जबकि असद उमर भी इसमें शामिल है। तो अनकरीब हम देखेंगे कि असद उमर और आजम खान भी हमें सलाखों के पीछे नजर आएंगे, बशर्ते कि वो कोई वादा माफ गवाह ना बन जाए, क्योंकि अगर ये वादा माफ गवाह नहीं बनते तो यकीनी तौर पे ये दोनों। बिल्कुल जमीर, जो आरोप आप बता रहे हैं, आरोप बेहद गंभीर हैं शाह महमूद कुरैशी पर, इमरान खान भी मुश्किल में घिरे हुए हैं। क्या ये जो पूरी कार्रवाई हो रही पूरी तरीके से राजनीतिक है, और क्या जो साल के अंत में राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी इन कार्रवाइयों का असर पड़ेगा? ये लोग चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे? जी बिल्कुल, असल वजह तो यही है कि जो तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं उसके पीछे बुनियादी तौर पे तो जो पाकिस्तान में चुनाव का मरला आने वाला है उसको देखकर की जा रही है। लेकिन इमरान खान के, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान समेत इमरान खान के जितने भी करीबी साथी हैं, इनमें से कोई भी पाकिस्तान में जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। उसकी वजह ये कि इनके ऊपर जितने इल्जाम हैं वो इंतहाई संगीन इल्जाम हैं, और उन इल्जाम के हवाले से पाकिस्तान में बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या हालात बनते हैं। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान को आर्मी ने दो विकल्प दिए हैं। पहला ये है कि राजनीति छोड़ो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मौत की सजा का सामना करो। बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, और खबर ये है कि इमरान खान को आर्मी ने दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प ये कि राजनीति छोड़ो, और अगर ऐसा नहीं किया तो मौत की सजा का सामना करो। तो देखिए बड़ा सवाल उठता है कि दो विकल्प इमरान खान के सामने, या तो राजनीति छोड़ दें या फिर मौत का सामना करें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।